नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं दिखाने वाला हूँ कॉलेज दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आप जाने वाले हैं विश्वविद्यालय वाले रोड पे चलेंगे और रोड के बारे में भी बात करेंगे और विश्वविद्यालय के बारे में भी बात करेंगे। आशा करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों चलिए दिखाते हैं हम आपको DDU इंटर कॉलेज। और दोस्तों देख सकते हैं इधर की सड़कें एकदम खूबसूरत है और अच्छी है, कहीं भी टूटा फूटा नहीं है। और बात करें इस रोड की ट्रैफिक की तो दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने है, ट्रैफिक में भी बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस देखने को मिला है पहले से, क्योंकि दोस्तों पहले तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता था। जब से लॉकडाउन का माहौल हुआ है और कोरोना का माहौल हुआ है इसलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में कमी देखने को मिली है। और बात करें दोस्तों रोस्तमपुर से जो ट्रांसपोर्ट रोड जाता है नौसड़ वाला, इस पे तो दोस्तों अभी भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि दोस्तों एक बार मैं ही गया था उस साइड, कुछ काम था मैं फंस गया था दोस्तों, बहुत ही बुरा हाल हुआ था उस समय, गर्मी और धूप में ही फंसा था दोस्तों। दोपहर में बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि दोस्तों अगर दोपहर के समय फंस जाएंगे आप ट्रैफिक में तो बहुत ही दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं तो कहूँगा सुबह के टाइम, एकदम सुबह के टाइम निकलिए, कहीं कुछ भी काम हो तो सुबह जल्दी से जितना जल्दी आप चाहें उतना जल्दी निकलेंगे तो दोस्तों ट्रैफिक आपको बहुत ही कम मिलेगा और धूप का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा DDU इंटर कॉलेज। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पार्क है, बहुत ही अच्छा मतलब खूबसूरत पार्क लगता है अंदर जाने पर देखने पे। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको DDU कॉलेज का दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों विश्वविद्यालय मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। और इससे पहले मैं बात करूंगा, मेरे चैनल पे अगर नया है तो प्लीज मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। दोस्तों देख सकते हैं दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय दोस्तों, यही है, गेट खुला है और देख सकते हैं कितना मतलब बहुत ही बड़ा मतलब एरिया है। और ये दीनदयाल विश्वविद्यालय जो गोरखपुर का है बहुत ही बड़ा एरिया है और बहुत ही खूबसूरत अंदर पेड़ पौधे फूल सभी लगाए गए हैं। और देख सकते हैं दोस्तों सड़कों के किनारे सभी पेड़ पौधे लगाए गए हैं, इससे दोस्तों जो गाड़ियों से धुआं निकलता है जिससे प्रदूषण होता है ये अपने अंदर सोख कर और स्वच्छ ऑक्सीजन और हवा देते हैं पेड़, जिससे प्रदूषण कम होता है और बहुत ही हम लोगों को फायदा होता है। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों आगे चल के मैं दिखाऊंगा आपको तोफ दिखाऊंगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ NCC की ट्रेनिंग होती है, जो गेट दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों देख ही सकते हैं यहाँ पे तोफ रखा हुआ है। और दोस्तों मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बगल में एक बेल आइकन होगा उसको ऑल पे रखना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही गोरखपुर और ब्लॉक से रिलेटेड वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों कल वाली वीडियो में मैं बताऊंगा राप्ती नदी कितना घटी है। अब दोस्तों मिलते हैं कल वाली नेक्स्ट ब्लॉग की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।